तो ये बहन आपके लिए हैप्पी दिवाली। सेंटा क्लॉज आ गया, दिवाली की सेंटा क्लॉज। मेरे बच्चे आ जाओ, कोई आ जा रहे। ये देखो मेरा रॉकेट, और देखो कितना पतला है ये। हैप्पी दिवाली। तभी अम्मी हमारे जो घर के फ्रंट है वहाँ पे गेरू और चावल से ये डिजाइन बना रही है। यहाँ पे तो मैंने बना दिए, अभी उधर बना रही है। अभी थोड़ी सी मैं भी हेल्प करता हूँ। और तभी यहाँ पे अंकल आ रखे हैं अभी। बर्तुदा आपको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको जो धन्यवाद अंकल जी की। अभी थोड़ी तबीयत खराब रखी है जरा, तभी भी देखो काम पे आ रखे हैं यहाँ पे, और सबको यहाँ दिवाली विश करने आ रखे हैं। पुराना मन बैल जाता है। ये बात अच्छा लगता है, दुख दूर जाता है। अंकल जी सबको, हमारे जो पूरी कॉलोनी है सबको एक परिवार की तरह मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला चलो कॉलोनी चलते हैं जरा, है घूम के आते हैं। पढ़ा मैं फिर उठ गया, थोड़ा सा पीने नहीं आए फिर उठ के आ गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो लाल सा ये गेरू है और ये है चावल। तो मैंने साइडों में तो सारे डिजाइन बना दिए, अब मेरा काम है लक्ष्मी जी के पैर बनाने का। तो मैंने यहाँ पे गेरवे से गोल गोल कर दिया है, अब उसके ऊपर पैर बनाऊंगा। लेकिन ढंग से बन नहीं पा रहे क्योंकि चावल थोड़े गीले हो गए। तो एक बार ट्राई करते हैं जरा फिर से, नहीं बन पा रहे ढंग से। और मम्मी अभी पत्तों और फूल की माला वो सूख के हो जाएंगे सफेद। ये भी तो पानी पानी हो रहा था। हाँ। फिर सूख के हो तो गया, सूख के हो जाएगा वो सही लगेगा। और चाय तो नहीं गिर गई। तो फटाफट मैं पैर बनाता हूँ और मम्मी माला रेडी कर रही है गेंदे के फूल और पत्तों की। हाँ दादी प्रणाम। प्रणाम, होली मुबारक। दिवाली मुबारक। पापा को दिवाली मिल बार में हैं कौन सा आपकी कौन होली। हाँ मुबारक। हैप्पी हैप्पी क्या दिवाली। हैप्पी दिवाली। तक्के पंच है। हाँ कोटद्वारी छो। पटाखे ला रखे ना। अच्छा ये पटाखा का ब्याह बस। मैंने भी दो रॉकेट उड़ाए बस और कुछ नहीं। अरे वो ब्याह हो गया वो गो। अच्छा अब बिज्जू आ रखा है। बिज्जू आता तो मैं भी आता फिर। जब बिक्की भी आना। हाँ तब तो सभी आते फिर, बिक्की मैं बिज्जू सभी रहते। हाँ फिर पूरी टीम। पूरी टीम रहती। ठीक है फिर बाय बाय। टेक केयर। टेक केयर टेक केयर। टेक केयर। गुड नाइट। अभी कहाँ है गुड नाइट, अभी तो सब्जी चल रही। हाँ मतलब वही उसके बाद। यहाँ पे भी ये डेकोरेट कर दिया बढ़िया से। ये ला रखी मम्मी इस बार दिए, बहुत प्यारे से लग रहे हैं। और ये मम्मी रेडी भी हो चुकी हैं, देखो कितनी प्यारी से लग रही है ना। प्यारे तो लगेंगे यार दिवाली है। हाँ। पर नया कपड़ा नहीं पहना है। क्यों नहीं पहना नया कपड़ा? नई साड़ी तैयारी नहीं की है। यहाँ पे हजारों का नुकसान हो गया है, 2-3 हज़ार का स्काई शॉट रहा हुआ है, ये चल नहीं रहा। हम बच्चे लोगों ने भी लगा रही है। और ये देखो यहाँ बच्चे लोग खड़े हुए हैं ये देखने के लिए स्काई शॉट, लेकिन स्काई शॉट भूस हो गया। रॉकेट पड़ेगा हाथ में, हाथ में पड़ के फोड़ना पड़ेगा, लेकिन फोड़ देगा। माचिस मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मत फोड़ना। वो तो मैं तुमको रॉकेट दे रहा था, ठीक है मजे करो मजे करो। अरे अरे ओके चल गए चल गए, चलो भैया भूसती में पैसे। तो अभी हमारे पटाखे फोड़ने की बारी आ चुकी है, लेकिन इस दिवाली पे मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं आ रखे कॉलोनी में, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे बढ़िया है चिरावर के घर चलते हैं, वहाँ पटाखे फोड़ेंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारे पटाखे आ रखे होंगे। और मेरे भी 2-3 पटाखे हैं, ये भी वहीं ले जा लेता हूँ। तो पापा मम्मी नीचे वेट कर रहे हैं, पापा ने तो कपड़े भी उतार दिए थे क्योंकि पापा की आज तबीयत थोड़ी ज़रा ढीली हो रखी है, सुबह से उनका सर दर्द चल रहा है। चलो फिलहाल वो नीचे वेट कर रहे हैं मम्मी। आप
मंडुए के लड्डू खिलाए जा रहे हैं यहाँ पे स्वीट्स में। ये मंडुए के लड्डू, इसका ब्लॉग आपने परसों देखा। अच्छा अंकल ये तो बताओ पटाखे कितने के लाए आप? हम लाए कम ना रखे 6,000। हाँ वैसे कम ही है, पहले तो मैं 700 के सच में गाड़ी में रखे हुए 3 पैकेट। तो सारे के सारे पटाखे ले लिए और अब इस लिफ्ट में आ चुके हैं। और इससे पहले हम सारे के सारे इस लिफ्ट में तभी आए थे जिस दिन हम फंसे थे यहाँ। ये ग्राउंड दबने रहा, अरे दबा दबा। ये पूरा का पूरा एरिया देख सकते हैं आप, ये पटाखों के लिए बनाया गया है सिर्फ। अरे हाँ हो सकता है, मेरी जैकेट में भी हो गया था एक बार है। यहाँ अंकल लड़ी बांट रहे सबको। सेंटा क्लॉज आ गया, दिवाली की सेंटा क्लॉज। कौन फोड़ेगा हाथ में, कौन फोड़ेगा हाथ में? अब मेरी सबसे फेवरेट 1000 वाली लड़ी जल रही है, 1000 वाली। लाइटर का है, लाइटर 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 दे रहा भाई, देना भाई अंकल। लो अंकल लियो मैं, भैया जो भी हो। हो जाएगा भी रहते, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा भैया। अब आता है रॉकेट का टाइम, रॉकेट फोड़ेंगे अब। हट जा बेटे पीछे हो जा। अंकल लोगों के सारे पटाखे खत्म हो चुके हैं, अब हमारे जो 3 पटाखे हैं, मात्र 3 आ चुके हैं, सबसे मेन पटाखे। अब आए और ये पटाखे बहुत मेन है। हाँ, क्योंकि इस बार ये सुयश ने बहुत ही हिम्मत करके मैंने यहाँ खरीदे खरीदे हैं। सबके पटाखे खत्म हो जाए ना तब लाने चाहिए अपने। ये देखो मेरा रॉकेट, और देखो कितना पतला है ये। लाइटिंग कर रखी इसने भी, इसने भी स्टार्ट कर रखी लाइटिंग। आ जाओ भाई, सुयश का रॉकेट देखे पता नहीं कहाँ जाएगा भाई। अरे गया सीधा, गया तो सीधा भाई। ट्रेन की तरह, ट्रेन की तरह। ऐसे फ्लोर में चढ़ के सक्सेस नहीं है, मजा नहीं आ रहा चरखियों में। हैप्पी दिवाली। जाते जाते क्योंकि कल नहीं देना बेटा, तेरी मम्मी बोल नहीं रही। हाँ। लेकिन क्या मैंने सब समझ गया कि ग्रहण में ये नहीं करना, नाना मैं तो सीरियस भूल ही गई थी ये दिन। तो मैं तो और कुछ ध्यान नहीं था मेरा, सिर्फ ये ध्यान था ग्रहण है तो आज ही कर दो। मैंने तभी तो पूछा कि मैंने कल देना ही ना नाना। ये बहन आपके लिए धन्यवाद। कल दिवाली, भाई दूज कब है? मैंने अच्छा गिफ्ट कल परसों हो गया। भाई दूज कब है? पंडित जी बताएंगे। पंडित जी कौन? पंडित जी कब है भाई दूज? हम भाई दूज मनाते हैं। चलो फिर अभी चलते हैं घर वापस, दिवाली का कार्यक्रम भी यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आप इसमें जाने से पहले कल मिलना है एक बार। हाँ कल मिलते हैं, ठीक है भाई जी, हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली वाले ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दिए सब्सक्राइब का उसे दबा देना, और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ अब मिलेंगे आपसे अगले किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री राम।